हेलो दोस्तों, मैं संदीप पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं द स्टडी एक्सप्रेस के डेली करंट अफेयर्स सेगमेंट में। आज है 23 मार्च और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। आज क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग कल का क्वेश्चन देखेंगे। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, हजार बार देखो नॉर्थ ईस्ट देखो, हजार बार देखो नॉर्थ ईस्ट देखो एक प्रोग्राम है, एक अभियान है, एक किस मंत्रालय के अंतर्गत है, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जनजाति मामलों के मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या आयुष मंत्रालय। आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का मैप है, इंडिया का पार्ट है, सिक्किम, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब होगा पर्यटन मंत्रालय। अभी पर्यटन मंत्रालय ने एक अभियान शुरू किया है, देखो अपना देश। इसमें हर स्टेट को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश ने भी, अरुणाचल प्रदेश ने भी एक अभियान स्टार्ट किया है, देखो अपना प्रदेश। और इस तरह से पर्यटन मंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया है, देखो अपना देश। इसी में एक नॉर्थ ईस्ट के लिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम है हजार बार देखो नॉर्थ ईस्ट देखो। इसमें नॉर्थ ईस्ट को एक टूरिज्म हब के तहत पेश किया जा रहा है, इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सी संभावनाएं हैं। अभी तक नॉर्थ ईस्ट को इतना ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं गया है, इंडिया के द्वारा कभी उसको प्रमोट उस तरह से नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ पे पहाड़ियां हैं, झरने, नील झरने हैं, लेक्स और बहुत सारे जंगल और नदियां। इस तरह से शायद ही कहीं और घूमने के लिए, जैसे कि इंडिया के लोग कई फॉरेन कंट्री जाते हैं, इस तरह से अभी तक अपना देश उस नहीं देखते हैं लेकिन फॉरेन कंट्री घूमने चले जाते हैं। लेकिन उनके लिए प्रमोट किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो नॉर्थ ईस्ट देखो देखो। तो ये टूरिज्म के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। आगे चल के बात करें पर्यटन मंत्री की, ये पर्यटन मंत्री हैं, इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, रानी अवंतीबाई लोधी। रानी अवंतीबाई लोधी जो कि 1957 के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी, तो इन्हीं के बलिदान दिवस पे किस राज्य सरकार ने पीएसी, जैसे आपको पता होगा हर स्टेट में पीएसी है, प्रोविंशियल आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, जो एक तरह से पुलिस ही होती है लेकिन वो पीएसी के अंतर्गत आती है, प्रोविंशियल आर्म्ड बोली जाती है उनको, ये सिविल पुलिस नहीं होती है। इनके अंडर में 3 महिला स्वतंत्र सेनानियों के नाम पर 3 बटालियन का गठन किया गया है। तो ये किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो आप यहाँ तो नई दिल्ली ऐसे भी छाड़ देंगे क्योंकि नई दिल्ली में तो पुलिस का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास तो वैसे भी नहीं है, तो पीएससी कहाँ से होगी, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरा कमांड है, तो वहां पे ज्यादातर पूरा सेंट्रल फोर्सेज हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो खुद गृह मंत्री के अंदर आता है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो इसका सही जवाब होगा प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी अनाउंस किए हैं, एएनआई का ये रिपोर्ट है, यूपी गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश 3 पीएससी वुमेन बटालियन नेम्ड आफ्टर फीमेल वॉरियर। ते तीन लो महिलाओं के नाम, 3 वीरांगनाओं के नाम पे ए पीएससी का बटालियन रखा गया है। ये है झलकारी बाई, रानी अवंती बाई लोधी और वीरंगना उदा देवी। तो रानी अवंती बाई, तीनों लोग 1957 के लड़ाई में पहले स्वतंत्रता सेनानी में इनका भी नाम गिना जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है केन बेतवा नदी जोड़ो योजना किन दो राज्यों से संबंधित है? केन बेतवा नदी जोड़ो योजना किन दो राज्यों से संबंधित है? बिहार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, हरियाणा पंजाब या बिहार झारखंड।
तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आप यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे इसका केन बेतवा नदी जोड़ो योजना, ये जो नदी जोड़ो परियोजना है भारत सरकार की, उसका पहला प्रोजेक्ट है और इसको उद्घाटन किया जा रहा है। बात करें केन बेतवा नदी की, देख सकते हैं केन बेतवा नदी में यहाँ पे केन नदी की एक्स्ट्रा पानी जो है बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा यहाँ पे एक डैम बना के। ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे इसको जोड़ा जाएगा इस तरह से। यहाँ पे माना जा रहा है एमपी और उत्तर यूपी और एमपी के जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहां पे इसका काफी फायदा होगा। वहां पे पानी के पीने का पानी और भी कई तरह के सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जा सकेगी। यहाँ पे एमपी का छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़, और यूपी का झांसी, बांदा, महोबा और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जो है इसके फायदे बेनिफिशियरी होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड एमपी और यूपी दोनों एरिया में पड़ता है। यहाँ पे 78 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा यहाँ पे डैम बना के। इस तरह से यहाँ पे दोनों काम एक साथ हो जाएगा, पावर का भी और ड्रिंकिंग एंड सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था भी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है 22 मार्च 2021 को जल जीवन हरियाली थीम के साथ बिहार की स्थापना दिवस मनाया गया है। अभी बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च को, 22 मार्च को। तो पूछा जा रहा है कि बिहार का स्थापना दिवस कौन सा स्थापना दिवस थी, 108वां, 9वां, 10वां या 76वां। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली अभियान, यहाँ पे हम सबने उठाना है पानी को, हर बूंद बचाना है, इस तरह से इसको प्रमोट किया जाना है कि पानी के किस तरह से बचाया जा सकता है और पेड़ पौधा लगा के। आइए इस महाअभियान का हिस्सा बने, आप लोग बताइए, हम लोग भी कोई इसका हिस्सा बनना चाहिए। मैं भी आप लोगों से बोलूंगा हाँ, ये हम लोग इस महाअभियान का हिस्सा बने, अपने यहाँ जरूर पेड़ लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं और हरियाली बनाएं। तो बात करते हैं कौन सा स्थापना दिवस था। था 109वां स्थापना दिवस। जैसे आपको पता है ये 22 मार्च 1912 को बंगाल को विभाजित करके बिहार को अलग राज्य बनाया गया था। फिर 1935 में उड़ीसा उड़ीसा को बनाया गया था और फिर 2000 में बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया था। 1935 से पहले उड़ीसा में बिहार का पार्ट था और 22 मार्च 1912 के पहले बिहार जो है बंगाल का पार्ट था, और 2000 के बाद 2000 में झारखंड बनाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ट्वीट है रामनाथ कोविंद जी का, बिहार दिवस पर सभी बिहारवासियों को बधाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गांधी जी का सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह यहीं से स्टार्ट हुआ था और देश के पहले राष्ट्रपति जो हैं ये बिहार से आते हैं। और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी भी बिहार से संबंधित है। इस तरह से बिहार का संबंध भारत के इतिहास से बहुत ज्यादा है। यह बिहार का स्थापना दिवस 109वां मनाया जा रहा है, अभी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया है। तो अभी उत्तर प्रदेश के बजट में 40 करोड़ रुपया एक वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के का ऐलान किया गया है उत्तर प्रदेश के बजट में। तो ये किस जिले के लिए किया गया है, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर या लखनऊ। एक गौतम बुद्ध नगर है यानी नोएडा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है गोरखपुर। अभी बिजनेस स्टैंडर्ड का निर्देश सकते हैं यहाँ पे आदित्यनाथ ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन गोरखपुर। यहाँ पे 40 करोड़ रुपए
इसके लिए एलोकेट किया गया है। ये रामगढ़ में, रामगढ़ एरिया पड़ता है, रामगढ़ एरिया में इस प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तोमर वंश के राजा अनंगपाल, तोमर ये तोमर वंश के शासक थे, जो जैसे आप पता होगा तोमर वंश जो थे, तोमर वंश के शासक जो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक दिल्ली और हरियाणा के आसपास, जैसे दिल्ली और हरियाणा के आसपास जिलों के एरिया पे उनका राज चलता था। और तो इनके इन्हीं के सबसे महाराजा में से एक थे तोमर वंश, इन्हीं के पौत्र हुए थे पृथ्वीराज चौहान, और उन्हीं के आगे चल के पृथ्वीराज चौहान के बाद वहां पे गुलाम वंश का शासन आ गया था दिल्ली में। उसके पहले तोमर वंश के अंतर्गत आता था, तो वहीं उन्हीं का तोमर वंश के ही राजा थे अनंगपाल तोमर सेकंड। तो इन्हीं की विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए अभी एक अनंगपाल टू मेमोरियल कमेटी बनाई जा रही है। इसका अध्यक्ष कौन होगा, किसे बनाया गया है? ब्रजभूषण सिंह, अनंत देव, शशि थरूर या शेखर कपूर? इसका सही जवाब होगा ब्रजभूषण सिंह। यहाँ देख सकते हैं भाजपा के नेता हैं, एक गोंडा जिले से, गोंडा से बीजेपी के सांसद हैं। इन्हीं को बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय के स्मृति समिति में। अब बात करें अनंगपाल द्वितीय की, आप देख सकते हैं अनंगपाल द्वितीय तोमर बिलोंग टू तोमर डायनेस्टी, और इन्होंने ही दिल्ली की स्थापना इन्होंने ही की थी, ये माना जाता है। पहले दिल्ली का नाम धिलकापुरी था। और एक चीज और है, यहाँ पे कुतुब मीनार में एक लौह स्तंभ है, तो ये माना जाता है कि ये भी इन्हीं से संबंधित था, राजा अनंगपाल से। लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा की 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था, साहित्य, नृत्य, विज्ञान या राजनीति? तो इसका सही जवाब होगा द हिंदू का। न्यूज दे सकते हैं, ये उड़ीसी डांसर थी, उड़िया की डांसर थी, उड़िया की परंपरागत जितने जो डांस है वहाँ ट्रेडिशनल डांस जो है वो डांसर थी। 86 साल की हो गई थी, इन्हीं का भी देहांत हो गया है भुवनेश्वर में, ते नृत्य से संबंधित थी। जी जी जिया ने विक्टर एक्सेलेशन को हराकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ली जी जिया का संबंध किस देश से है, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया या जापान? तो ली जी जिया मलेशिया से हैं, ये 22 साल के हैं। इन्होंने अभी अभी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, ते मलेशिया से हैं, इनका ध्यान रखिएगा। ली जी जिया पब्बी एंटी टेरर युद्धाभ्यास का संचालन कहाँ किया जाएगा? पब्बी एंटी टेरर युद्ध संबंध युद्धाभ्यास एससीओ के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें एससीओ यानी संघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इसका युद्धाभ्यास कहाँ किया जाएगा, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या भारत? तो इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान। आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान का मैप है, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा है। पाकिस्तान जैसे आपको पता होगा यहाँ पे 4 प्रोविंस हैं, जैसे अपने यहाँ स्टेट हैं इसी तरह से पाकिस्तान में प्रोविंस है, 4 स्टेट, 4 प्रोविंस हैं। यहाँ पे गुजरात और राजस्थान से लगता हुआ यहाँ पे सिंध है, आप देख सकते हैं यहाँ पंजाब है, जो पंजाब जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा पार्ट है पाकिस्तान का, और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा पार्ट है बलूचिस्तान, जिसका बॉर्डर लगता है ईरान से, अफगानिस्तान से। और पाकिस्तान का एक पार्ट, उनका एक प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, और यहाँ पे देख सकते हैं पेशावर है, और यहीं पे एरिया पड़ता है पब्बी, यहीं पे कहीं एरिया पड़ता है। तो यहीं पे अभी एक एंटी टेरर युद्ध संचालित किया जाएगा, जिसमें हो सकता है इंडिया भी पार्टिसिपेट करे, क्योंकि यहाँ पे चाइना और रसिया सबकी, इस सारे एशियन कंट्री की आर्मी जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी,
अब ये देखना है कि यहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेट करता है या नहीं। ते अब और बात करें एससीओ की, देख सकते हैं एससीओ में के जो फाउंडेशन कंट्री हैं ये चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, ये 5 कंट्री मिलके एक ग्रुप बनाए थे। और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में जैसे उज्बेकिस्तान देख रहे हैं, उज्बेकिस्तान के तार यहाँ पे फॉर्मली एससीओ का गठन किया जाता है, यहीं पे इसका हेड ऑफिस है। और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर बन जाते हैं। इस समय एससीओ के 8 मेंबर कंट्री हैं, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। और इसके 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। ऑब्जर्वर स्टेट वो होते हैं जो कभी आगे चल के फुल मेंबर बन सकते हैं। इसमें है ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस, यहाँ पे बेलारूस है, और मंगोलिया। अभी 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान किया गया है। तो यहाँ पे 22 मार्च 2010 को इसका ऐलान किया गया है। यहाँ पे मोस्ट फ्रेंडली फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है इसका किस राज्य को प्रदान किया गया है, ये 2019 के लिए अवार्ड दिया गया है। 2018 में उत्तराखंड सबसे मोस्ट फ्रेंडली फिल्म फ्रेंडली स्टेट था, 2019 में बनाया ये अवार्ड दिया गया है। सिक्किम को 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है। एक क्वेश्चन और यहाँ पूछा गया है, ये भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से ही संबंधित है क्योंकि इसको भी बेस्ट बुक का अवार्ड दिया गया है जो फिल्म से संबंधित है। ये नेशनल अवार्ड इसको भी मिला गया है। इस बुक का नाम है गांधियन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा। यहाँ पर सबसे चर्चित जो प्रेम है सिनेमा में, मूवी में, अभी तक इंडिया बॉलीवुड में, तो इनसे संबंधित जो अफेयर है उसके बारे में ये बुक है। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, विक्रम चंद्रा, संजय सूरी, राजकुमार हिरानी या ऋषि कपूर? तो इसका सही जवाब है संजय सूरी। ये है संजय सूरी, देखते हैं, ये है संजय सूरी और इनकी एक बुक है गांधीयन अफेयर। यहाँ पर राज कपूर और नरगिस का फोटो दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे चर्चित प्रेम कहानियों का वर्णन किया गया है। इसको भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भी इसको इस बुक को अवार्ड मिला है। अब मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा चेन टू नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, वियतनाम, चीन, ताइवान, मंगोलिया? इसका सही जवाब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।